हेलो एंड वेलकम। तो आज जो आपको बात बताने वाले हैं उसके बाद आप शायद ही कभी अपना प्रश्न गलत करें। कई बार ऐसा होता है कि नेट के एग्जामिनेशन में आपको केवल एक पॉइंट, एक ऑप्शन अगर मालूम हो तो भी आपका उत्तर सही होने के चांसेस क्या होते हैं, सही होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। खाली एक चीज अगर आपको प्रॉपर मालूम है तो क्या होगा, आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही एक ऐसा प्रश्न जो हर बार हर साल पूछा जा रहा है, कंटिन्यूअसली हर साल हमको देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन आज आपको जहां पे ध्यान देना है वो है आपका ये घटनात्मक स्मृति। आप सभी को मालूम है कि घटनात्मक स्मृति क्या होती है, इसे इंग्लिश में कहते हैं एपिसोडिक मेमोरी, ठीक है। जैसे आप कोई वेब सीरीज देखते हैं या बचपन में आपने टीवी सीरियल देखा तो उसमें क्या होते थे, एपिसोड आते थे, ठीक है। पहले एपिसोड में ये होता था, दूसरे में उसकी बीवी मर जाती थी, तीसरे में उसका पुनर्जन्म होता था। इस प्रकार से क्या था, चीजें एपिसोड वाइज लिंक हुआ करती थी, ठीक है। वही हमको ध्यान देना है कि हमको सिर्फ ये मालूम करना है कि घटनात्मक स्मृति क्या है। अगर इस प्रश्न में आपको केवल ये मालूम है कि घटनात्मक स्मृति क्या है तो आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। हमको करना है सूची वन में हमको दिया हुआ है स्मृति मॉड्यूल, और सूची टू में दिया हुआ है विवरण, मतलब कौन सी स्मृति का मॉड्यूल किसके सामने है वो हमको सही का बताना है, ठीक है। ओके, तो आज आप ये बात समझ लीजिए, घटनात्मक स्मृति क्या होती है, विशिष्ट समय में अर्जित तथ्यात्मक सूचना हेतु स्मृति, है ना। ऐसे किसी समय में, एपिसोड बोल रहे हैं, एपिसोड मतलब किसी समय में आपने अपनी स्मृति में अगर कोई चीज फिट कर ली है तो वो कहाँ जाएगी, आपकी एपिसोडिक मेमोरी में जाएगी, ठीक है। ओके, आपकी मैडम ने आपके पिताजी को पहली बार जब कंप्लेंट की थी, ठीक है, पहली बार कंप्लेंट की थी, वो कहाँ पे है आपकी, वो है आपकी घटनात्मक स्मृति में, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके साथ वो घटना घटी है, ठीक है, एक विशिष्ट समय में। आप अपनी बार पहली बार जब अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गए तो क्या है, वो कहाँ है आपकी घटनात्मक स्मृति में है। आप आईसीयू में भी भर्ती रहेंगे लेकिन आपकी ये मेमोरी काम करेगी, ठीक है। लेकिन हमने पहले वीडियो में क्या बताया था आपको, वो आपको याद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो कहाँ पे है आपकी, वो है आपकी शब्दार्थ विषयक स्मृति में, मतलब सिमेंटिक मेमोरी में है, ठीक है। आपने कुछ नॉलेज लिया और वो कहाँ जाएगा, सिमेंटिक में जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हम आपके घर आ जाते हैं पढ़ाने के लिए तो वो कहाँ जाएगा, आपकी घटनात्मक स्मृति में जाएगा, मतलब आपके साथ क्या हो रहा है, घटित हो रही है कोई घटना, वो हमेशा कहाँ जाएगी, घटनात्मक स्मृति में जाएगी। ऑल राइट, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, पी के साथ जोड़ते हैं टू। आपको सिर्फ इसमें क्या देखना था कि P के साथ टू जुड़ रहा है या नहीं। ऑल राइट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। आप आंसर पे पहुंच गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। केवल इतनी सी बात है लेकिन हम देख लेते हैं, हम साइको प्रोफेसर के स्टूडेंट हैं तो देख लेते हैं, ठीक है। क्यू के बारे में क्या दिया हुआ है, शब्दार्थ विषयक स्मृति थ्री, स्मृति पद्धति जो संसार के बारे में सामान्य संक्षिप्त जानकारी का संचय करती हो, ठीक है। अभी आपको बताया कि कहाँ हो रही है जापकी, क्या हो रही है जानकारी, संक्षिप्त जानकारी का क्या हो रहा है, संचय हो रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, शब्दार्थ विषयक स्मृति में। आपने किसी शब्द का क्या निकाला है, अर्थ निकाला है, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा आपके शब्दार्थ विषयक स्मृति में, यानी कि सिमेंटिक मेमोरी में। तीसरा देखिए, आर के साथ फोर इन्होंने दिया हुआ है आत्मकथात्मक स्मृति, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसे ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है आपने कई सारे लोगों की, तो क्या होता है, अपने जीवन के बारे में वो लिखते हैं, ठीक है, अपने जीवन के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब हमारे स्वयं के जीवन, है ना, ऑटो मतलब ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद की बायोग्राफी, दूसरे की नहीं, हमारे स्वयं के जीवन की घटनाओं के बारे में सूचना हेतु स्मृति, ठीक है, कि हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी उसके बारे में जो स्मृति में जाएगा वो कहाँ जाएगा, आत्मकथात्मक में, ठीक है। आपके पिताजी ने मारा, आप ही को मारा, हमको नहीं मारा, ठीक है, वैसी वाली बात है, तो कहाँ जाएगा वो, आत्मकथात्मक स्मृति में जाएगा। घटनात्मक और आत्मकथात्मक में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन हमको डिसाइड करना होगा कि हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हमको सेलेक्ट करना होगा। फिर प्रक्रियात्मक स्मृति में क्या दिया हुआ है, चाय बनाना, खाना बनाना, ठीक है, कॉफी बनाना, और जो भी चीज आपको बनाते आती है, साइकिल चलाना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, ये सब कहाँ जाएगा, ये सब जाएगा आपकी प्रक्रियात्मक स्मृति में। एक बार आप चाय बनाना सीख गए, एक बार आप खाना बनाना सीख गए, एक बार आप कॉफी बनाना सीख गए, तो ये जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया है इस कार्य के दौरान, इन कार्यों के दौरान क्या किया है, आपने प्रक्रिया की हुई है ना। तो प्रक्रिया के लिए क्या दिया हुआ है, एस के साथ वन, स्मृति पद्धति जो वैसी सूचना को वैसे ही रखती है जिसे हम मौखिक रूप में
सहजता से व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, आप बता नहीं सकते इसे किसी को कि चाय कैसे बनानी है या आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा। ठीक है, आपने क्या किया उसको बनाते बनाते आप क्या हुआ, आप उसकी प्रोसीजर आपको मालूम पड़ गई। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि गियर कैसे मारते हैं बाइक में, आप उसको कैसे समझाएंगे, है ना। मौखिक रूप से आप क्या कर सकते हैं उसको बता नहीं सकते हैं कि पहले क्लच दबाइए, इस प्रकार से आप बता सकते हैं, लेकिन उसको क्या करेंगे आप करके जब दिखाएंगे तो उसको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो कहाँ पे जाता है, वो जाता है आपकी प्रक्रियात्मक स्मृति के दौरान। ठीक है, ओके। आपको जो ये बात ध्यान रखनी है वो है घटनात्मक स्मृति के साथ, यानी कि एपिसोडिक मेमोरी के साथ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अब इस प्रश्न को देखिए, प्रक्रियात्मक दिया हुआ है, घोषणात्मक दिया हुआ है, उपख्यानात्मक दिया हुआ है और पुनर्कूटबद्ध दिया हुआ है। ठीक है, कूटबद्ध से आप क्या समझते हैं, आप समझते हैं एनकोडिंग, है ना, एनकोडिंग समझते हैं आप कूटबद्ध से। ठीक है, प्रक्रियात्मक आपने देखा था क्या होता है, किसी भी चीज का क्या करना, प्रोसीजर करना। ठीक है, तो ए के साथ क्या जाएगा आपका, थ्री, टंकण, वाहन चालन, साइकिल चलाने संबंधी स्मृति। ठीक है, ये सब क्या है आपकी, प्रक्रियात्मक है ना। आपने कैसे सीखा है इसको, प्रक्रिया के दौरान सीखा आपने, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, चाय बनाना, वाहन चालन, टंकण, ये सब कैसे सीखा आपने, एक प्रक्रिया के दौरान सीखा। ठीक है, किसी ने आपको समझाया नहीं कि क्लास में बैठ के कि देखिए साइकिल इस प्रकार से चलाई जाती है, नहीं, आपने क्या किया, साइकिल उठाई और चलाना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आपको एक से आप थ्री लिंक कर लेते तो भी आप आंसर पे पहुंच जाते, ए के साथ केवल थ्री यहीं पे दिया हुआ है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है आपका, टू। लेकिन मान लीजिए आपको इसके बारे में नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन आपको क्या मालूम है, आपको मालूम है कि एपिसोडिक मेमोरी है ना क्या होती है, घटनात्मक मेमोरी क्या होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है जीवन की क्या, कहाँ और कब संबंधी स्मृति, है ना, तो ये कहाँ आएगी आपके, ये आएगी एपिसोडिक मेमोरी के दौरान। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, वर्ड चेंज कर दिया है। ठीक है, प्रक्रिया आप समझ गए, प्रक्रिया नहीं है, लेकिन आपको अलग सा वर्ड कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको उपख्यानात्मक स्मृति, इसे ही दूसरा नाम क्या दिया हुआ है, एपिसोडिक स्मृति का नाम दिया हुआ है। तो आप हिंदी मीडियम वाले हैं, थोड़ा सा शब्दों को आपको, प्रत्येक शब्द को क्या करना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, ओके। तो उपाख्यानात्मक स्मृति में क्या होता है, जीवन की क्या, कहाँ और कब, मतलब आपके क्यों, क्या हुआ था, ठीक है, टीचर के साथ, कहाँ पे हुआ था टीचर के साथ और कब हुआ था टीचर के साथ, जब आपके पिताजी को क्या कर दी गई थी, कंप्लेंट कर दी गई थी, है ना, कहाँ पे, जीवन में। तो जब भी जीवन की बात आएगी तो क्या आएगा हमारे पास, एपिसोडिक मेमोरी, घटनात्मक मेमोरी या फिर उपाख्यानात्मक स्मृति या घटनात्मक स्मृति। ठीक है, तो सी के साथ फोर्थ कहाँ जा रहा है आपका, केवल एक ही ऑप्शन में जा रहा है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, करेक्ट आंसर क्या है, टू आ रहा है। ठीक है, तो आपने केवल दो चीजें मालूम थी आपको, या एक ही चीज मालूम थी तो भी क्या हो गया, आप आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल आते हैं, अपने माइंड को अलर्ट रखना है। ठीक है, और अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, आपका नेट होके रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं घोषणात्मक स्मृति क्या है, बी के साथ क्या दिया हुआ है, वन दिया हुआ है, तथ्यों, शब्दों, तारीखों, पिंडों के नाम की स्मृति। ठीक है ना, आप क्या किया, 1947 में भारत आजाद हुआ, आपको मालूम है, कहाँ चला गया आपकी, ऐसी घोषणा हो गई। ठीक है, आपने इतनी बार पढ़ लिया उसको कि अब क्या हुई, उसकी घोषणा हो गई, और कहाँ चला गया आपकी, घोषणात्मक स्मृति में, डिक्लेरेटिव। ठीक है, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, 1885 में। ठीक है, 1885 में बनी, तो क्या हुआ यहाँ पे, आपने क्या किया उसको डिक्लेयर किया कि अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, उसके बाद 1885 में क्या हुआ, ये आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई। ठीक है, और यहाँ पे पुनर्कूटबद्ध में क्या दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, अनेक वर्ण, शब्द, वाक्यांश को एक सूचना बंध में संयोजित करना। ठीक है, तो जो आप एनकोडिंग करते हैं, ठीक है ना, कोडिंग या फिर चंकिंग जो करते हैं, ठीक है, 1, 3, 7, 9, 4, 5, 6, ठीक है, ये है, इसको, सॉरी, इसको कैसे करेंगे आप, 13, 79, 456। ठीक है, क्या किया, अनेक वर्ण, शब्द, वाक्यांश को क्या किया, एक सूचना बंध में संयोजित करना। ठीक, आपने याद कर लिया, ये किसी का नंबर है, मान लीजिए कोई लड़का है मोहन, उसका नंबर है, तो ये कहाँ गया, आपने री एनकोड किया, है ना, पुनर्कूटबद्ध किया। ठीक है, ओके। तो खाली आपको ये मालूम होने से कि एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है, घटनात्मक मेमोरी क्या होती है, आप सही उत्तर तक पहुंच गए। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर है इसका टू। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है आज के बाद, घटनात्मक मेमोरी जहां भी देखेंगे आप, सॉल्व करना जल्दी जल्दी शुरू हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं अगले। चलिए अब इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पे हम स्मृति टॉपिक से हट गए हैं, दूसरे टॉपिक पर आ गए हैं, लेकिन कंसेप्ट हमारा सेम रहेगा। आप इसका उत्तर बताइए, 5 सेकंड आपको दिए जाते हैं, या फिर वीडियो पॉज कर लीजिए, इसका आंसर प्राप्त करने की कोशिश करिए, हो जाएगा आपसे। यहाँ पे दी हुई है अवधारणा, यहाँ पे दिया हुआ है स्पष्टीकरण, है ना, पहले हम स्पष्टीकरण पढ़ लेते हैं क्या हो रहा है।
यहां पुनर्प्राप्ति की बात हो रही है ना, पुनर्प्राप्ति की बात हो रही है, पुनर्प्राप्ति की बात हो रही है, पुनर्प्राप्ति की बात हो रही है, ठीक है, मतलब वापस लाना, एक प्रकार से रिट्रीवल की बात हो रही है ना, पुनर्प्राप्ति। पहला क्या दिया हुआ है, पुनर्प्राप्ति पर भौतिक वातावरण को कूटीकरण के समय वातावरण से मेलित करना, ठीक है, मतलब आप जब रिट्रीवल कर रहे हैं मेमोरी से तो क्या होगा, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है ना, वहां पे क्या पोजीशन थी उससे बात हो रही है। दूसरा दिया हुआ है, पुनर्प्राप्ति के समय पर मूड को कूटीकरण के समय मूड से मेलित करना, है ना, जब मेमोरी में आप एनकोड कर रहे थे तब किस प्रकार का आपका मूड था, जब आपने इसका कूटीकरण किया है ना, उसके मूड से मेलित करना। तीसरा दिया हुआ है, बाहरी और आंतरिक वातावरण संकेतों द्वारा उद्दीप्त पुनर्प्राप्ति, ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल में जो भी एनवायरमेंट है उसके द्वारा उद्दीप्त की पुनर्प्राप्ति, मतलब जो भी आपका एक्स वाई जेड डिजायर है वो, मतलब जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं अपनी मेमोरी से उसकी बात हो रही है। चौथा दिया हुआ है, संचित स्मृति अवशेषो, संचित मतलब आपने जो जमाया हुआ है, ठीक है, जो आपके स्टोरेज में है, संचयीकरण है ना, पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने, स्मृति अवशेषों का अनुवर्ती पुनः सक्रियण, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, संचित स्मृति, आप बताइए यहां किसकी बात हो रही है, संचित स्मृति की बात हो रही है, ये कहां पे जाएगी आपके संचय में होके कहां जाएगी, कौन सी मेमोरी में जाएगी, बहुत बढ़िया। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है घटना जन्य पुनर्प्राप्ति, जैसे ही आपने घटना पढ़ा अलार्म बजना स्टार्ट। दूसरा संदर्भ आश्रित पुनर्प्राप्ति, चलिए आपको नहीं मालूम। राज्य आश्रित पुनर्प्राप्ति, चलिए नहीं मालूम। संकेत आश्रित पुनर्प्राप्ति, चलिए आपको नहीं मालूम, ठीक है, मान लेते हैं आपको ये तीनों ऑप्शन नहीं मालूम, लेकिन आपको क्या मालूम है, घटना जन्य पुनर्प्राप्ति, मतलब कोई ना कोई घटना हुई होगी। अब आपको क्या देखना है, इन चारों में से घटना कहां पर हो रही है, घटना कहां पर हो रही है, संचित स्मृति अवशेषों का अनुवर्ती पुनः सक्रियण, आपको फिर से खींचना है अपनी कहां से, एपिसोडिक मेमोरी से रिट्रीवल करना है इसको, ठीक है, तो ए के साथ क्या जाएगा, ए के साथ जाएगा फोर। आपने फटाक से क्या देखा, ऑप्शन में देखा ए के साथ फोर कहां पे दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है, तो बाकी तीन कैंसिल, ऑटोमेटिकली आप क्या हुआ, करेक्ट आंसर पे पहुंच गए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू वेरी मच। नहीं यही नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, आप आंसर तक तो पहुंच गए कि चौथा आंसर सही है आपका, ठीक है, जैसे ही आपने घटना पढ़ा आपने क्या किया, हमने कोई स्मृति संचित की है उसके अवशेषों का हम कैसे प्राप्त करेंगे, अपनी घटना जन्य पुनर्प्राप्ति की मदद से, लेकिन फोर ऑप्शन सही है, बी के साथ क्या दिया हुआ है, वन, बी के साथ वन, संदर्भ आश्रित पुनर्प्राप्ति, मतलब जब आप रिट्रीवल कर रहे हैं तो आपका जो फिजिकल वातावरण है ना, उसको कूटीकरण के समय वातावरण से मिलित करना, मतलब आप कोई चीज याद कर रहे हैं, मान लीजिए बाथरूम में आप बैठ के याद कर रहे हैं सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी, तो जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो क्या होगा, आपको एग्जाम हॉल में आपको शायद याद नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आपने उसको बाथरूम में याद किया था, जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, तो बाथरूम में जैसे ही आप घुसेंगे आपको क्या याद आएगा, आपको याद आएगा सिगमंड फ्रॉइड, ऐसा होता है कई बार, आपको एग्जाम्पल देंगे दूसरे। सी में क्या दिया हुआ है, राज्य आश्रित पुनर्प्राप्ति, सी के साथ इन्होंने दिया हुआ है टू, यानी पुनर्प्राप्ति के समय पर मूड को कूटीकरण के समय मूड से मिलित करना, हंसते हुए याद करेंगे तो हंसते हुए जल्दी याद आएगा और रोते हुए याद करेंगे तो रोते हुए याद आएगा, ठीक है। फिर डी में क्या दिया हुआ है, संकेत आश्रित पुनर्प्राप्ति, डी में दिया हुआ थ्री, मतलब संकेत किस प्रकार से मिल रहा है आपको, बाहर और आंतरिक वातावरण से, उनके द्वारा जो पुनर्प्राप्ति होगी उसकी बात होगी, ठीक है। तो आपने खाली क्या देखा कि खाली आपने एपिसोड, घटना ना, और उपाख्यानात्मक आपने क्या किया, सिर्फ इसको याद किया आपने कि एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है, घटना वाली मेमोरी क्या होती है, और उसके अकॉर्डिंग आपने 3 साल के प्रश्न सॉल्व कर लिए, सिर्फ एक चीज के मालूम होने से आपने 3 साल के प्रश्न, हार्डली आपको, जब मैं आपको जब टेस्ट सीरीज दूंगा तो कितना समय लगेगा आपको ये देखने के बाद, आपको मुश्किल से 10 सेकेंड लगेगा प्रश्न को सॉल्व करने में, ठीक है, ओके। लेकिन हम टेस्ट इतने आसान नहीं देंगे, हम टेस्ट टफ देंगे, ताकि आप क्या करें, 2-3 ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे, ठीक है, तो 10, 15, 20, 20 सेकेंड में आप इजिली सॉल्व कर लेंगे एक सवाल को जो हमारे द्वारा दिया हुआ होगा। ऐसे ही कई सवाल और हैं, अगर आपके पास पुराने प्रश्न पत्र पड़े हुए हैं तो जाके उठाइए उनको, घटना जन्य पुनर्प्राप्ति को देखिए, एपिसोडिक मेमोरी की जहां भी बात हो रही है उसको देखिए, सवाल लगाना स्टार्ट करिए, और फिर आके इसमें कमेंट कीजिएगा कि इस वीडियो ने आपकी मदद करी या नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।